तो गाइस मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं इंडियन टॉय स्टोर। दोस्तों आज मेरे पास है दो यूनिक प्रोडक्ट और दोस्तों काफी दिनों से यार मैं सोचा कि दोस्तों ट्रेन की अनबॉक्सिंग करूं और दोस्तों मैं ऐसी ट्रेन ढूंढ रहा था कि सबसे अलग हो, ये नॉर्मल वाली चलने वाली नहीं कि भाई स्वीट डब्बे वाले से चले। तो यहां पे दोस्तों बहुत ढूंढने के बाद दो यूनिक ट्रेन में लेके आया हूं। एक दोस्तों यहां पे है रिमोट कंट्रोल ट्रेन जो दोस्तों ऑफलाइन मार्केट में कुछ 2200 रुपए के आसपास मुझे मिली थी। इसके बाद दोस्तों यहां पे है सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन, इसकी दोस्तों प्राइस की बात करूं तो ये कुछ 600 रुपए के आसपास मुझे मिली थी। तो दोस्तों आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैंने एक न्यू चैनल ओपन किया, चैनल का नाम है इंडियन गेमर, लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप लोग विजिट कर सकते हो सके दोस्तों उस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो यहां पे दोस्तों लास्ट वीडियो देखा तभी आप लोगों को मजा आएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सी वाली ट्रेन आप लोगों को परचेस करनी चाहिए, कौन सी वाली सही है आपके लिए। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 5000 लाइक, तो मुझे बताया दोस्तों आप लोग लाइक को जरूर पूरा करोगे। चलिए तो दोस्तों ज्यादा वक्त ना गवाते फर्स्ट में यहाँ पे जो बुलेट ट्रेन है उसकी बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा जो सेटअप है वो न्यू मिलने वाला है। इसके अंदर दोस्तों हमें 30 पीस मिलने वाले हैं और इसका जो प्लास्टिक है वो यहाँ पे लिखा हुआ है ABS, यानी कि ये खाने पहुँचाने वाला प्लास्टिक नहीं है। तो बॉक्स देख सकते हो और काफ़ी बड़ा सा बॉक्स है ये, और ये देखें यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके की ये ट्रेन है और ये मुझे लगता है कि एक सेल पे चलेगी। और यहाँ पे ये देखिए बैटरी ऑपरेटर। तो चलिए तो फिर फटाफट से इसको करते हैं ओपन। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल से ट्रैक वगैरह हमें मिलने वाले हैं और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा जो बॉक्स है वो खाली दे दिया गया है। और ये रहा दोस्तों हमारा, और ये दोस्तों जो बॉक्स है वो पूरा का पूरा खाली हो चुका है, सिर्फ इतनी सी चीज़ें हमें मिली है इस ट्रेन के अंदर। तो अभी दोस्तों देखना ये है कि ये ट्रेन चलती है या फिर ऐसे ही है। पहले क्वालिटी चेक कर लेते हैं ट्रैक की, भाई क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पे दोस्तों ट्रैक की क्वालिटी की मैं बात करूँ तो काफ़ी फिनिशिंग से बनाया गया है, ऐसा नहीं कि दोस्तों यहाँ पे प्लास्टिक कहीं से निकला हो या फिर ख़राब हो। ये देखिए कुछ इस तरीके के ट्रैक हमें मिलने वाले हैं जो आप लोग क्वालिटी का अंदाज़ा लगा ही सकते हो, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी है। और यहाँ पे इसको रखते हैं साइड में, ये मुझे लगता है कि हाँ ये रहा दोस्तों हमारा मेन इंजिन। तो ये देखिए हाई स्पीड लिखा हुआ है और ये देखिए इसका ऑन ऑफ का स्विच है। तो जैसे ही दोस्तों इसको ओपन करोगे यहाँ पर लगेगा एक सेल, तो एक सेल लग चुका है। तो ये देखिए जो हमारी ट्रेन है दोस्तों वो चल रही है, आपको ये पहिया घूमता नजर आ रहा होगा। तो कुछ इस टाइप से दोस्तों हमें सेल अटैच करना है। अभी इस ढक्कन को कर देते हैं बंद। तो ये जो बटन है वो कुछ इस तरीके से प्रेस करना है और ये चलेगी ट्रेन। और यहाँ पे दो डब्बे हमें एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, ये पैसेंजर है और ये भी सिर्फ नॉर्मल ही हमें डिब्बा मिलने वाला है, ये सेम टू सेम जैसा है लेकिन ये है बैटरी वाला। अभी के लिए दोस्तों इसको रखते हैं साइड में और लास्ट में दोस्तों दोनों ट्रेनों को एक साथ चला के दिखाऊंगा कितनी स्पीड है। तो अभी दोस्तों बात करते हैं हमारे मेन ट्रेन की, और ये जो ट्रेन है मुझे सचमुच यार बहुत ही ज़्यादा महंगी मिली है, दिख तो रही है दोस्तों नॉर्मल सी, अभी देखते हैं कि क्या क्या इसमें फंक्शन होने वाले हैं। तो ये तो ओपन हो चुकी है, पहले मैं आपको बॉक्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको रिमोट दिख रहा होगा, ये मेन इंजन है, ये कुछ कलरफुल सा ट्रैक हमें मिलने वाला है, ये म्यूजिक है, लाइट है और रिमोट कंट्रोल तीन से चलेगी। और पीछे भी दोस्तों सेम ही जैसा है, ये देखिए ट्रैक कुछ इस तरीके से अटैच करने हैं और ये भी कुछ इस तरीके से अटैच करना है। ये देखिए यहाँ पे सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो दोस्तों आप लोगों को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो ट्रेन का सामान है वो आ चुका है बाहर, और यहाँ पे ये स्टिकर वगैरह भी है, और लास्ट में यहाँ पे ये मेन इंजन और रिमोट। तो दोस्तों जो पूरा का पूरा बॉक्स है वो हो चुका है खाली। तो यह रिमोट आपको काफ़ी मस्त मिलने वाला है, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो, ये देखिए कितना फ्लेक्सिबल रिमोट है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि आगे जाने के लिए, यहाँ पे ये म्यूज़िक के लिए है, और ये मुझे लगता है कि ट्रेन को स्टॉप करने के लिए एक बटन मिलने वाले हैं। और यहाँ पे ये रहा हमारा मेन इंजन, यार काफ़ी हैवी है। और यहाँ पर ये सेम टू सेम दोस्तों बटन, अगर दोस्तों आप लोग रिमोट इस्तेमाल नहीं करना चाहते बिना रिमोट के भी कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। तो ये देखिए सेम टू सेम बटन इसमें भी मिलने वाले हैं। तो फटाफट से दोस्तों मैं सेल को अटैच कर लेता हूँ। यहाँ पे दो सेल नहीं है, चार सेल है, वो दोस्तों किस तरह से लगते हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो ये जो वाला स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से निकलता है, और यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखोगे तो अंदर भी दो सेल लगते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से ये लग जाएंगे, ये देखिए ये दूसरा वाला भी लग गया। और इस कंपार्टमेंट को कुछ इस तरीके से आपको बंद कर देना है, तो ये नॉर्मल ऐसा दोस्तों ये बंद हो जाएगा, ये देखिए। और इसमें भी दोस्तों आगे दो सेल लगा देने हैं।
तो सेल लगाने के बाद दोस्तों ये जो वाला कंपार्टमेंट है वो आपको बंद कर देना है। अभी इसको करता हूँ ऑन, तो यहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे दोस्तों तीन लाइट होने वाली है, अलग अलग म्यूजिक भी आपको मिलने वाला है, और यहाँ पे ये स्टॉप, ये देखिए यहाँ पे इंजन है वो चल रहा है। अगर आपको दोस्तों स्टॉप करना है तो ये स्टॉप हो जाएगी। तो यार काफ़ी इंटरेस्टिंग। अभी दोस्तों इसके साथ रिमोट कनेक्ट करके भी देख ही लेते हैं, इसमें भी लगेंगे दो सेल। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने रिमोट को कनेक्ट कर लिया है, अभी इसको करता हूँ ऑन। तो पहले मैं म्यूजिक ट्राई करता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही आसानी से ये कंट्रोल हो रहा है, ये स्टॉप। अभी ये देखिए इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यार ट्रैक देख सकते हो, और काफी अमेजिंग ट्रैक मिलने वाले हैं। ये देखिए इसका साइज वगैरह का अंदाजा लगा सकते हो, और ये कुछ स्टिकर हैं जो दोस्तों डब्बे पे या फिर कहीं पे भी लगने वाले हैं। तो पहले है ना दोस्तों मैं स्टिकर को अटैच कर लेता हूँ फटाफट से। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फाइनली मैंने स्टिकर को अटैच कर लिया, बहुत ही सिंपल से स्टिकर लग जाते हैं। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे स्टिकर लगाए, यहाँ पे भी स्टिकर लगाया, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी स्टिकर लगा दिया है। तो अभी दोस्तों स्टिकर लगने के बाद तो काफ़ी अमेजिंग दिख रहा है, और यहाँ पे ये देखिए बहुत सारे ट्रैक वगैरह हैं, और ये देखिए कुछ सामान भी दोस्तों हमें मिलने वाला है। तो फटाफट से यहाँ पे देख लेते हैं कि दोस्तों क्या क्या मिला है, और इसमें भी दोस्तों आपको कुछ स्टिकर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो वाले स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से लगने वाले हैं, और ये देखिए ये बहुत ही दोस्तों आसानी से ये लग जाएंगे। जितने भी स्टिकर थे वो मैंने अटैच कर लिए, यहाँ पे सिंपल से दो स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। और ये जो वाला पार्ट है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से लगाना है, और ये वाला पार्ट कहाँ पे लगाना है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फटाफट से दोस्तों ज्यादा वक्त ना गवाते यहाँ पे मैं ट्रैक सेट कर लेता हूँ, फिर दोस्तों ट्रेन को सेट कर लूंगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने फाइनली ट्रेन ट्रैक को सेट कर लिया है, और दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से ये हो जाता है। तो ये देखिए ये जो वाला ट्रैक है वो काफ़ी कलरफुल बना है, और ये जो वाला ट्रैक है ये देखिए दोस्तों कितना लंबा ट्रैक बना है। तो चले तो अभी पहले मैं इस ट्रेन को स्टार्ट करता हूँ। तो ये तो चल पड़ी, अभी ये जो वाली ट्रेन है उसी को मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों ये तो हाई स्पीड ट्रेन थी, लेकिन ये हाई स्पीड से चल ही नहीं रही है, बहुत ही स्लोली स्लोली चल रही है। लेकिन दोस्तों मेन ये बात है कि ये चल तो रही है ना। तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर देता हूँ, स्टेशन आ गया। ये वाली तो स्टॉप होने वाली नहीं, जब हम दोस्तों हाथों से स्टॉप करेंगे तभी ये स्टॉप होगी वापस से।